किसानों के ऊपर ये जो 3 कृषि कानून है वो थोपे जा रहे हैं, जबरदस्ती हो रही है। हमने कभी भी मांग नहीं की थी, फिर भी नाम किसान का लेकर ये 3 कानून हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है सरकार। MSP सरकार डिक्लेयर करती है, वो कभी भी मिलती नहीं है। कुछ जिन्हें गिने चुने किसानों को छोड़कर बाकी किसानों को कभी नहीं मिलती है। इसलिए हमारा जो MSP का कानून है वो लीगलाइज कर दीजिए। जिसके पास पैसा होगा वो होल्डिंग करेगा, और सिर्फ होल्डिंग करेगा नहीं, वो लॉबिंग करके मार्केट में जाकर कीमतें गिराएगा, सस्ते दाम में किसानों के पास सब अनाज खरीदेगा, और जब किसानों के पास बेचने के लिए कुछ बचेगा नहीं उस वक्त वो महंगे दाम में बेचेगा, ताकि जो आम लोग है, गरीब लोग है, जो 10 किलो 15 किलो तादाद में खरीदते हैं उनको ज़्यादा महंगे दाम में खरीदना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे किसानों की लड़ाई है, ऐसा नहीं है, पूरे देश के किसानों की ये लड़ाई है। महाराष्ट्र का किसान, कर्नाटका का किसान, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ से किसान आना चाहते हैं, लेकिन उसके पास कुछ साधन नहीं है, और वो कैसे आएंगे। और इसीलिए सरकार ये साबित करने में सफल हो रही है कि सिर्फ उत्तर भारतीय किसानों का आंदोलन है, ऐसा नहीं है। पूरे देश का किसान ये चाहता है कि हम अदानी अंबानी का गुलाम नहीं बनना चाहते, हम खेती करते हैं, हम अन्नदाता है और अन्नदाता ही रहना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी मानती नहीं है और ज़बरदस्ती करके अगर ये कानून हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते तो मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ। इसी तरह से 1980 में इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी किसानों का आवाज़ दबाने की। आगे पंजाब किस तरह से जलता रहा ये तो इतिहास सबके सामने है। इसी और हम और एक स्टालिन नहीं देखना चाहते, हम यही चाहते हैं कि मोदी जी आप स्टालिन मत बनिए, यह आंदोलन तोड़ने की कोशिश मत करिए, किसानों की भावना समझ लीजिए, क्या चाहता है किसान ये समझिए। आप अदानी अंबानी का गुलाम मत होइए, आप किसानों की बात समझिए, यही हम समझाने की कोशिश करते हैं। समझदार को इशारा काफी है, ऐसा मुझे लगता है।